हाँ देखो, इन वाई डी एस सी एपरेटस शोन इन द फिगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड इज लेमडा, सो स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सोर्स। सो क्या है, सो नहीं, लेमडा की वेवलेंथ यूज कर रहे हो, मोनोक्रोमेटिक है मतलब, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। और स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सोर्स विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड वी। स्क्रीन को आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड वी से दूर लेके जा रहे हैं, जो आपकी स्लिट्स हैं इसके प्लेन से कॉन्स्टेंट स्पीड से स्क्रीन को दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन वॉज कैपिटल डी। इनिशियल डिस्टेंस कैपिटल डी थी दोनों के बीच में, और उसके बाद आपने वी स्पीड से इसको ड्रैग करना शुरू कर दिया स्क्रीन को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सपोज पी इज द पॉइंट वेयर द फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा वॉज लाइंग एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे थी तो मतलब यहाँ पर इस पी पॉइंट पर कोई फिफ्थ मैक्सिमा, फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब अरे कितना पार्ट डिफरेंस, समझ पा रहे हैं फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब, बताओ कहाँ गया आर्यन, कहाँ गायब हो जाता है यार, पार्ट फाइव डिफरेंस। लैम्डा हाँ पार्ट डिफरेंस फिफ्थ ऑर्डर पे कितना हो जाता है, 5 लैम्ब्डा हो गया। एग्जाम हो, पढ़ने चला गया आज, गायब हो गया ऐसा लग रहा है, है तो सही पता नहीं कहाँ। हाँ पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 5 लैम्ब्डा हो गया, ठीक है। इस पे पी पॉइंट पे फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब पता है, बहुत देर से मतलब बहुत दिनों से वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। द थर्ड ऑर्डर मिनिमा विल लाई एट दिस पॉइंट आफ्टर टाइम दिस। अच्छा तो अब ये दूर जाता जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं बेटा, इस पी पॉइंट का एंगल चेंज होता जा रहा है ना, तो पार्ट डिफरेंस भी तो चेंज होता जा रहा है, नहीं समझ रहे हो। अब स्क्रीन मान लो यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पर कुछ और थीटा था पहले, अब जब ये दूर जा रही है तो यहाँ पर थीटा बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, ये भी हमको दिख रहा है पी, आ रही कि नहीं बात। ये पी पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, जब स्क्रीन इधर जा रही है तो कभी यहाँ पर किसी पॉइंट पर पहुंचेगी तो आपका जो थीटा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और कम होता जा रहा है, तो मतलब पार्ट डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो पहले जहाँ पर पी पॉइंट पर फिफ्थ मैक्सिमा था, वहां पर अब क्या है, वहां पर क्या बोला, अब क्या हो गया, पहले वहां पर फिफ्थ मैक्सिमा था, अब वहां पर क्या है, थर्ड ऑर्डर मिनिमा। हाँ तो ठीक है, कम होता जा रहा है पार्ट डिफरेंस, तो फिर वो एन लेमडा में भी एन या टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू का एन भी कम होता जाए, ठीक है। तो अब वहां पर कह रहा है कि थर्ड मिनिमा लाई कर रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, टी टाइम में कितना दूर जाएगा, वी इंटू टी दूर जाएगा, ठीक है। तो पहले थर्ड ऑर्डर मिनिमा की कंडीशन क्या है, फिर वही ध्यान से, थर्ड ऑर्डर मिनिमा का मतलब है एन की वैल्यू टू, तो 5 लेमडा बाई टू, तो टू लेंगे ठीक है। तो जब पहले थीटा वन, आप थीटा कितना हो जाएगा, पहले देखो पहले वाले की सिचुएशन देख रहे हैं, इनिशियली डी साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लेमडा, तो यहाँ से वाई पी निकल आया, अब आपका क्या हो गया, थीटा वन एंगल हो गया, तो डी साइन थीटा वन इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई टू, साइन थीटा वन को क्या लिख दिया, वाई पी अपॉन डी वन, अब ये डी वन हो गया, ठीक है। और वाई पी दोनों का बराबर कर दो, बहुत ज्यादा सिंपल है, पहले वाई पी निकाला फिर वहां पर वाई पी निकाला, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। और डी वन कितना आ गया, 2D निकल के आ गया, डी वन आपका 2D निकल के आ गया, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस डी थी, अब डी वन 2D हो गया, तो कितना चली स्क्रीन, डी डिस्टेंस नहीं चल गई क्या, और कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, तो डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया, डी बाई वी, और आपको क्या दे रखा है, ईटा डी बाई 5 वी, तो ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बोलिए डाउट है क्या किसी को, पहले फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा था, फिर उसी जगह पर थर्ड ऑर्डर मिनिमा, तो आपने जस्ट डिस्टेंस दोनों बार निकाल ली वाई पी की, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आपको डी वन मिल गया कि आप कितनी डिस्टेंस है, तो आपने डिफरेंस लेके निकाल के देख लिया कि स्क्रीन ने कितना मूव किया है, और जितना भी मूव किया है क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड थी, उससे आपने यहाँ पर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक बताइए, बात क्लियर है सबकी, यस चलिए वेरी गुड।